डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। क्या हो रहा है? हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी? कहां है बीजेपी? तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी, ये विष जैसे हैं, पॉइजन है। एक एक करके हमारे हकों को छीन ले रहे हैं, एक एक करके हमारे जितने भी हक थे, महिलाओं के हो, एसटी के हो, एससी के हो, वो सब खत्म कर रहे हैं। आप देखिए बाजू मणिपुर में क्या हो रहा है। हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जल गए, घर जल गए। कहां है मोदी जी? कहां है बीजेपी? यहां सिर्फ हमको दिखाने के लिए वहां यहां ऐसा फिरते हो? जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश क्या, देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहां कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उनको, उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा मां देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्री पेरम्बूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पे ठहर के स्वागत करते हो, वो महिला अपने कमर पे मानो बॉम्ब बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी, और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ, और राजीव जी के देह का, शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था, उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया क्या, अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता, ये आरएसएस को समझ में नहीं आता, ये बीजेपी को समझ में नहीं आता। ऐसे लोग हमारे देश के लिए जान दिए, और मोदी जी सबकी जान ले रहे। वो ये जानते हैं, बैठ डालो, हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, और आईटी का रेड करो, ये सब
करके उन्हों हुकूमत चला रहे। हम प्रेम से हुकूमत चलाए, एक दूसरे को गले लगा के हमने सरकार चलाई, और आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस के वजह से है। शिक्षा, दवाखाने, स्टील फैक्ट्रीज, पूरे देश में कुछ ना कुछ अगर दिखता है वो कांग्रेस का दिखता है। उनके क्या दिखते हैं? उनका कुछ नहीं, लोगों को लड़ाने के लिए चलो तुम लड़ते रहो मैं मजा करता हूं बोल के वो लोग अपने छवि बना लिए हैं। तो आपको सोचना है। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे हैं आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा आपको? इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुनके आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि पहले तो गुलामगिरी करके आए ब्रिटिश के जमाने में, और ये एससी एसटी ओबीसी वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हमारा देश तो गुलाम था, लेकिन आप लोग गुलामों के गुलाम थे। क्योंकि जितने अमीर थे, अमीरों के पास इन्हों काम करते थे गुलाम, अमीर लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, तो वो एक के गुलाम और ये गरीब लोग गुलाम के गुलाम उनके पास काम करते थे। इसलिए सोचो भाई, फिर से आप गुलाम बनना चाहते हो? फिर से आप शिक्षण से दूर रहना चाहते हो? फिर से आप जो आपको हक मिला है नौकरी का, वो जो छीन ले रहे उसको आप मानते हो?